हेलो प्लेयर्स, तो आप सभी टीपीएल खेलने जा रहे हैं, तो इससे पहले आप सबको टीपीएल के रूल्स पता होने चाहिए। तो ये रूल्स की लिस्ट है। तो सबसे पहला रूल ये है कि हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होंगे। रूल नंबर दो, दूसरा रूल यह है कि हर एक प्लेयर केवल एक ही ओवर डाल सकता है, अगर सारी टीम प्रेजेंट है तो। अगर सारी टीम प्रेजेंट नहीं है तो इसका भी रूल हमारे पास है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि हर एक प्लेयर केवल मैक्सिमम एक ओवर ही डाल सकता है। रूल नंबर तीन, एक इनिंग मैक्सिमम 11 ओवर्स की होगी, मतलब हाईएस्ट 11 ओवर्स फेंके जा सकते हैं। इससे पहले अगर टीम ऑल आउट हो जाती है तो उतने ही होंगे। रूल नंबर चार, पावर प्ले 3 ओवर्स का होगा। रूल नंबर पांच, पावर प्ले में केवल 3 प्लेयर्स को ही सर्कल से बाहर हम रख सकते हैं। रूल नंबर छः, सब्स्टिट्यूशन इस बार बिल्कुल अलाउड नहीं है। रूल नंबर सेवन के हिसाब से अंपायर का डिसीजन फाइनल और लास्ट होगा। अंपायर जो भी डिसीजन देगा वो सभी टीम्स को मानना पड़ेगा, चाहे जैसा भी डिसीजन हो। हमारा अंपायर जानबूझकर कोई भी गलत डिसीजन नहीं देगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अंपायरिंग एकदम अच्छी हो, लेकिन फिर भी अंपायर से गलती हो सकती है। आप सबने इंटरनेशनल मैचेस में भी देखा होगा कि अंपायर से गलती हो सकती है, इसलिए यहाँ भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जो अंपायर डिसीजन देगा वो फाइनल और लास्ट ही होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर एट की। रूल नंबर एट के हिसाब से बैटिंग टीम अपने किसी भी बैटिंग करते हुए प्लेयर को रिटायर नहीं कर सकती। कई बार कुछ टीम्स क्या करती हैं कि अगर उनका प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा तो उसको रिटायर कर देती हैं, या फिर उसको बोलती हैं हिट विकेट हो जाओ, विकेट्स में बैट मारो और आ जाओ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कोई भी टीम जानबूझकर अपने प्लेयर को रिटायर होने के लिए नहीं कह सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो आउट नहीं माना जाएगा और वो बॉल काउंट होगी। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई प्लेयर जानबूझकर बैट मार के आया या सच में आउट हुआ है, इसका डिसीजन अंपायर्स लेंगे। रूल नंबर नाइन के हिसाब से अगर प्लेयर रिटायर होता है इंजरी की वजह से, अगर ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है तो क्या पता उसको रिटायर होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो दोबारा बैटिंग करने आएगा तो वो सिर्फ लास्ट के 3 ओवर्स में ही बैटिंग करने आ सकता है। रूल नंबर 10, कोई प्लेयर इंजर्ड है या नहीं, इंजरी ज़्यादा है या नहीं, उसको रिटायर्ड हर्ट करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन अंपायर्स लेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 11 की। एक्स्ट्रा रन केवल वाइड्स का ही है, यानी कि अगर वाइड फेंकी जाती है तो टीम को एक एक्स्ट्रा रन दिया जाएगा। रूल नंबर 12, नो बॉल बाईज और लेग बाईज का कोई भी एक्स्ट्रा रन टीम के स्कोरबोर्ड में नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 13 की। नो बॉल पर फ्री हिट नहीं रखी गई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नो बॉल हो, हाइट की या पैर की। अब बात करते हैं रूल नंबर 14 की। ओवर थ्रो से जो एक्स्ट्रा रन होगा वो स्कोरबोर्ड में काउंट किया जाएगा। रूल नंबर 15, मैन ऑफ द सीरीज बैटिंग में भी है और बॉलिंग में भी है। बैटिंग में जो मैन ऑफ द सीरीज दिया जाएगा वो हाईएस्ट स्कोरर, जिसने पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए होंगे उसको दिया जाएगा। मान लो अगर दो प्लेयर्स के या दो से ज्यादा प्लेयर्स के हाईएस्ट रन हो जाते हैं, टाई हो जाता है उनके बीच में, तो उनके बीच सुपर ओवर करवाया जाएगा और वो प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को बॉलिंग करेंगे। फील्डर्स कोई भी चूज किए जा सकते हैं, फील्डर्स
दोनों प्लेयर्स की बैटिंग के टाइम सेम रहेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 16 की। बॉलिंग के लिए जो मैन ऑफ द सीरीज है वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को दिया जाएगा। इसमें भी अगर दो प्लेयर्स की या तीन प्लेयर्स की या चार प्लेयर्स की विकेट्स सेम हो जाती हैं तो बॉल आउट से इसका डिसीजन लिया जाएगा। रूल नंबर 17, जो टॉप की चार टीम्स जिनके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगी टॉप की चार टीम्स वो सेमीफाइनल में आगे जाएंगी। अगर उनके बीच में भी टाई हो जाता है तो फिर विनर का फैसला सुपर ओवर से किया जाएगा। रूल नंबर 18, तो टीपीएल में हर तरह का प्लेयर खेलता है, चाहे उसको हाथ घुमाकर बॉलिंग आती है या नहीं, और बॉलिंग भी हमने सबसे करवानी है। इसलिए जिन प्लेयर्स को हाथ घुमाकर बॉलिंग नहीं आती वो थ्रो यानी कि बट्टा फेंक सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती सिर्फ वही। तो मैचेस स्टार्ट होने से पहले टीम्स की लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट में ये मेंशन किया जाएगा कि कौन सा प्लेयर हाथ घुमाकर बॉलिंग फेंकता है और कौन सा थ्रो करता है। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है इसमें तो वो मैचेस स्टार्ट होने से पहले जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट को देखकर हमें बता सकता है कि इस प्लेयर को हाथ घुमाकर बॉलिंग आती है, ये जानबूझकर यहाँ पर उसने बट्टा लिस्ट में लिखवाया है। लेकिन जब लिस्ट फाइनल हो जाएगी उसके बाद किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं बट्टा बॉलिंग की। बट्टा बॉलिंग स्पिन फेंकनी होगी। अगर वो तेज़ फेंकता है तो अंपायर द्वारा नो बॉल दे दी जाएगी। बॉल तेज है या नहीं इसका डिसीजन अंपायर करेगा। रूल नंबर 19, अगर किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उस प्रॉब्लम के बारे में अंपायर्स और सिर्फ टीम के कैप्टन से डिस्कस करेंगे, बाकी टीम का कोई भी मेंबर इस बारे में वहां पर डिस्कशन नहीं करेगा, सिर्फ अंपायर्स और कैप्टन्स। रूल नंबर 21, मैच जो है लिस्ट में दिए हुए टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा, बिल्कुल भी देरी नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर दोनों टीम्स के प्लेयर्स नहीं आते तो 10 मिनट तक वेट किया जाएगा, और 10 मिनट के बाद भी अगर किसी भी टीम का कोई प्लेयर नहीं आता तो दोनों टीम्स को 0-0 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी प्लेयर्स आ जाते हैं किसी भी टीम के, मान लो एक टीम के दो प्लेयर्स आ गए और दूसरी टीम के भी दो प्लेयर्स आ गए, तो उन्हीं दो दो प्लेयर्स में ही मैच होगा अगर टीम्स चाहती हैं तो। अदरवाइज मैच कैंसिल नहीं होगा, मैच माना जाएगा और दोनों टीम्स को 0-0 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। इसीलिए टीम्स बी ऑन टाइम, समय पर रहना सभी लोग, और जो टाइम मेंशन होगा लिस्ट में उसके हिसाब से आ जाना। लास्ट रूल, जितनी भी एंट्री फी आई आ चुकी है वो नॉन रिफंडेबल है, उसको हम वापस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप एंट्री दे जाते हैं उसके बाद टीम्स बन जाती हैं, फिर अगर आप बैकआउट करते हो तो टीम को भी नुकसान होता है और हमें एक्स्ट्रा प्लेयर ढूंढना पड़ता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए इस बार एंट्रीज नॉन रिफंडेबल हैं, एंट्रीज वापस नहीं की जाएंगी। रूल नंबर 23, अगर बॉलिंग की साइड टोटल 11 प्लेयर्स प्रेजेंट नहीं होते तो टोटल 11 ओवर्स कौन फेंकेगा। इसके लिए रूल ये है कि बैटिंग टीम बॉलिंग टीम में से कोई भी दो प्लेयर्स चूज करेगी और वो आगे के ओवर्स को कंप्लीट करेंगे। और इसमें बात ये भी ध्यान रखनी है कि कोई भी दो बॉलर्स लगातार दो ओवर नहीं फेंक सकता, लगातार दो ओवर्स नहीं फेंके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, एक प्लेयर लगातार दो ओवर्स नहीं फेंकेगा। लास्ट रूल, सिंगल बैटिंग अलाउड नहीं है।